प्यारे किसान भाइयों, सीजन आ गया है जल्दी ही धान लगाने का। जैसे भी आपको पता कि भाई मार्च का महीना स्टार्ट हो गया, गेहूं कटाई होगी और अपने किसान भाई जो है धान लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम PR वैरायटी भी बोल देते हैं, कुछ किसान भाई इसको साठी वैरायटी भी बोलते हैं। जो किसान भाई मार्च के महीने में ही प्योत बो देते हैं, जैसे गेहूँ कटाई के बाद में ना जस्ट उनको धान लगाने होते हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही या फिर लगभग 15 अप्रैल के आसपास में। तो दोस्तों, आज हम उनके लिए लेकर आए हैं पैडी ट्रांसप्लांटर, और ये ट्रांसप्लांटर चलाना बहुत ही आसान है और ये ओसाका कंपनी का है। और ओसाका कंपनी पैडी ट्रांसप्लांटर के साथ साथ आप देख रहे हो मेरे दोनों साइड में ना काफ़ी सारी मशीनें खड़ी हैं, जिसको हम फुल फीड हार्वेस्टर बोलते हैं। और इस कंपनी के आपको हाफ फीड हार्वेस्टर भी मिल जाएगी, जिसके बहुत सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैडी ट्रांसप्लांटर की। तो ये एक ऐसी मशीन है जिसके जरिए आप अलग से प्योत तैयार करके और इस मशीन के द्वारा आप अपने खेत में धान की फसल उगा सकते हैं। यानी कि ये मशीन जो है ना धान लगाने के लिए सबसे बेस्ट मशीन है और इसको बोला जाता है पैडी ट्रांसप्लांटर। और ये मशीन आपके हिसाब से चौड़ाई, गहराई और पेड़ से पेड़ का डिस्टेंस तय करेगी। तो इसके बारे में आज हमें फुल जो जानकारी देंगे अपने असलम सर हैं ओसाका कंपनी से। तो नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, जी। जो सामने से दर्शक भाई आपको हमें जी, 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 और ओसाका के पैडी ट्रांसप्लांटर को देख रहे हैं, जी, 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 उनको थोड़ा सा इसके बारे में स्पेसिफिकेशन बताइएगा, ये किस तरह से काम करेगी और एक दिन में इसके साथ हम या फिर एक एकड़ जो है कितने टाइम में किसान भाई इसके साथ लगा पाएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि आजकल सारा जो ज़माना आ रहा है मशीनों का आ रहा है, तो हमारे किसान भाइयों को परेशानी ना हो इसलिए हम लोगों ने, हमारी कंपनी ने मशीन बनाई है। इसको पैडी ट्रांसप्लांटर भी कहते हैं, राइस ट्रांसप्लांटर भी कहते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप जिस लेवल पे लगाना चाहते हैं पौध को, उस लेवल पे लगेगी। जो आपकी रो आएंगी पौध की वो बिल्कुल सीधी आएंगी और जो पैदावार होगी जो उसकी बहुत अच्छी होगी, जो मैनुअल्स करते हैं उससे बेस्ट पैदावार जो है इसके लगने के बाद होती है। और इसका फ़ायदा यह है कि आप इसको पानी भी हो मैनुअल भी चला सकते हैं, और इसको स्टार्ट करके आप इसको इंजन भी लगा हुआ है इसमें यामा कंपनी का, क्योंकि जापानीज़ है तो यामा कंपनी का इंजन है जापानीज़, तो आप तो ये मतलब जापान की टेक्नोलॉजी है, ये जापानीज़ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों देखा आपने, इसके अंदर इंजन भी है लेकिन मैं इसको ना बिना इंजन के चलाते हुए लेके आ रहा था। जी, जी, जी। आप इसको बिना इंजन भी चला सकते हैं और इंजन के जरिए भी आप इसको चला पाओगे। बिल्कुल, ये तो इसका कंप्लीट इंजन फैसिलिटी है, जो कि ये लिखा हुआ है अपना ओसाका OS F4 का मतलब है चार रो वाले, इसमें चार रो धान की एक साथ लग सकती हैं कंटिन्यू, एक एक करके नहीं लगेगी, चारों रो एक साथ लग सकती हैं। और ये ऑपरेटेड है, यामा कंपनी का है और ये ऑपरेटेड है, और इसका इंजन जो है मैनुअली स्टार्ट है और सेल्फ से भी स्टार्ट है, बहुत दोनों फैसिलिटी दी हुई है इसके अंदर। और इसलिए इसमें लाइट का अरेंजमेंट इसलिए दिया हुआ है कि आप चाहेंगे लोग कि रात में भी काम करना हो तो रात में भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए मशीन बहुत परफेक्ट है, साउंड प्रूफ है, ईजिली हैंडल है, कोई परेशानी नहीं है मशीन के अंदर, हर तरह से वर्क करने के लिए रेडी है, मेंटेनेंस फ्री है, जीरो मेंटेनेंस पे मशीन काम करती है। इसकी जो पौध हम जो पहले से तैयार करके रखेंगे उसकी ट्रे को यहाँ रखी जाएगी, ये ऑटोमेटिकली फिंगर के थ्रू ट्रे में से पौध निकालेगा और फिर लगाएगा, ये ऑटोमेटिकली निकालता रहेगा लगाता रहेगा। ये सारा इसका बैक पोर्शन है, पूरा इसका स्पीड का दिया हुआ है, कैसे कैसे आगे करना है, कैसे पीछे करना है, अगर इंजन से चलाते हैं सारा सिस्टम दिया हुआ है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, किसान भाइयों को देख के बनाया गया, डिज़ाइन किया गया है ताकि उनको कोई परेशानी नहीं आए चलाने में, सारा इजी ऑपरेटेड है। ये जो लगाया हुआ है यहाँ पर इस टाइप का, ये बीच के डिस्टेंस को और मिट्टी को फैलाने के लिए, दबाने के लिए जो उसके ऊपर आ जाए लगाया हुआ है। और ये एक तो यहाँ से लगाएगा और एक पौध यहाँ लगेगी, तीसरी यहाँ से लगेगी और चौथी यहाँ से लगेगी, बीच में स्पेस जो इंजन के साथ चलेंगे, तो अगर किसान भाई चलते रहेंगे उस पर तो आपके पैरों पर चलने से पौध ख़राब नहीं होनी है। तो मशीन बहुत बढ़िया है, साउंड प्रूफ है, रोबस्ट टेक्नोलॉजी है, और मतलब आपको इतना आसानी से इसको काम करना मिल जाएगा कि आप मैनुअल का जो लेबर का जो खर्चा है वो बच जाएगा। अगर घर में किसान भाई अकेला है या दो लोग हैं वो भी काम कर सकते हैं, आपको प्राइवेट लेबर हायर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो मतलब कम से कम ये मान के चलो कि 10 आदमियों का काम ये अकेली मशीन एक साथ करती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये एक एकड़ लगभग कितने टाइम में लगा देती है? अगर किसान भाई आराम से भी चलाएंगे तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे में एक एकड़ को आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसान भाई एक्टिव हैं तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर एक एकड़ कम्प्लीट कर लेंगे इसमें।
अपने हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में सबसे जल्दी धान लगाया जाता है, तो क्या इसकी बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, अवेलेबल है स्टॉक हमारे पास, स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें फोर व्हील ड्राइव भी आता है, ये तो मैनुअली है, और फोर व्हील ड्राइव आता है वो भी मैं आपको दे दूंगा उसका, वो भी आप अपना किसान भाई को दिखा दीजिएगा उसमें। सर अब बात करेंगे ये, जैसे ये चार रो वाली मशीन है जी, अगर किसी किसान भाई को रिक्वायरमेंट उसने ज़्यादा धान लगाना है तो इसके से बड़ी मशीन उसको चाहिए? यस, उसके लिए भी हमारे पास प्रोविजन है, हमारे पास छः रो की मशीन भी है, छः रो वाली, तो दो रो और बढ़ जाएंगे, दो रो और बढ़ जाएंगे ज़्यादा उसकी, तो इसकी डेढ़ गुना स्पीड बढ़ जाएगी, डेढ़ गुना स्पीड बढ़ जाएगी बिल्कुल। और अगर किसी किसान भाई को ये सच है कि भाई मुझे ऊपर बैठ के, मुझे पैदल इसके पीछे नहीं चलना है, मैं ऊपर बैठ के लगाना चाहता हूँ, बिल्कुल वो भी मशीन है अवेलेबल अपने पास, फोर व्हील ड्राइव है, उसमें पहिए लगे हुए हैं, चार आदमी के, दो दो तीन आदमी भी ऊपर बैठ के काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसान भाई को क्या कुछ प्राइस पे ये मशीन मिलने वाली है? देखिए ये जो मशीन है फोर रो वाली है, ये मिलेगी आपको 3,25,000 की, 3,25,000 की जी जी जी, चार रो वाली मशीन। और जो आपकी सिक्स रो वाली मशीन है वो मिलेगी 3,80,000 की, 3,80,000 की जी। और जो फोर व्हील ड्राइव वाली मशीन है उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, वो 10.5 है, 11.5 है, 12.5 है, 13.5, डिपेंड अपॉन मॉडल, 13.5 14.5 तक है लास्ट प्राइस के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से प्राइस बढ़ जाए। तो मतलब एक नॉर्मल किसान जो है, गरीब किसानों के लिए भी मतलब ये मशीन बेस्ट है, और क्या वो इसके साथ किराया वगैरह भी कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, अपना काम खत्म करने के बाद किराया का काम करे कोई। तो मान लो अगर बंदा, गर्मी का सीजन आ जाता है तो सुबह जल्दी उठते हैं और शाम तक जो है बंदा इसके साथ 4 से 5 एकड़ आराम से इसके साथ धान लगा सकता है, आराम से। तो मतलब एक नॉर्मल बंदा, एक नॉर्मल किसान भी जो है इसके साथ किराए भाड़े का काम करके अपनी आजीविका आराम से कमा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आजकल ट्रेंड चला हुआ है, लोग लेते हैं और अपना काम करने के बाद फिर किराए पे काम करते हैं। हाँ, एक पहले भी हमने एक मशीन का वीडियो बनाया था फोर व्हील वाली का, वो हमारे रिश्तेदार के पास थी सोनीपत में। अच्छा। तो वो स्टार्टिंग से उन्होंने काफी दूर दूर तक वो किराया कर गए, लेकिन अगले सीजन जैसे उसकी डिमांड बढ़ी तो उनको अपने गांव से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। अच्छा। इतना गांव एकदम से उनके गांव में आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने देखा होगा भाई साहब, मैंने एक जेके राणा, जयकुमार राणा की एक मैंने वीडियो बनाई थी लगभग 4 साल पहले, उस वीडियो को देख के ना दोस्तों आज तक किसान भाइयों के बहुत फोन आते हैं कि भैया हमें धान लगवाने हैं, जेके राणा का नंबर दे दो। तो अब हम आपके लिए स्पेशल लेके आए हैं एक लो प्राइस में बेस्ट कंपनी की बेस्ट मशीन, इसके साथ आप आराम से अपनी खेती कर सकते हो, और ये मशीन जो है एक टाइम में 10 आदमियों के बराबर काम कर सकती है। बिल्कुल, आपका धान लगाने की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, बेस्ट मशीन है, मेंटेनेंस नहीं है, आराम से काम करेगा, और वो भी भाई जापान की टेक्नोलॉजी के साथ है, जापान की टेक्नोलॉजी है। तो सर अब मेन समस्या आती है हमारे किसान भाइयों के सामने कि देखो मशीन कितनी भी ब्रांडेड कंपनी की ले लें, कभी ना कभी कोई ना कोई छोटा मोटा फॉल्ट जरूर हो जाता है, तो कंपनी की सर्विस कैसी है? कंपनी की सर्विस बिल्कुल प्रॉम्प्ट सर्विस है, सारे स्पेयर पार्ट हमारे पास होते हैं, हमारे इंजीनियर्स जाके वहाँ काम करते हैं, अगर पार्ट्स लेना है तो हमारे यहाँ पे स्टोर है, स्टोर से पार्ट ले सकते हैं। इवन हम लोग बड़ी मशीनों की रिपेयरिंग अपनी मशीनों की हम अपने यहाँ अपने यार्ड में ही करते हैं। गारंटी वारंटी की? जी देखिए नरेश जी, इसमें गारंटी वारंटी की तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ट्रैक्टर हो गए या और मशीन हो गई, उसमें आवर मीटर होता है, तो आवर मीटर से पता चल जाता है कि मशीन कितने घंटे चली है, क्योंकि ये मैनुअल मशीन है, कम बजट की है, किसान भाइयों को देख के बनाई गई है, तो इसकी एक सीज़न की फुल सर्विस वारंटी है, एक सीज़न की फुल सर्विस वारंटी है, और कोई इशू आता नहीं है, सारे सब कुछ क्लियर है मशीन में, कोई इशू आता नहीं है, फिर भी हम लोग पूरा एक सीज़न जो होता है उसकी फुल सर्विस वारंटी देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ओसाका का पैडी ट्रांसप्लांटर, और साथ में मैं एक बार आपको फिर दिखाऊंगा कि चारों तरफ जो है ना ओसाका कंपनी की फुल फीड हार्वेस्टर खड़ी हुई है, बहुत सारी अवेलेबल है, बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक अवेलेबल है, है, और पैडी ट्रांसप्लांटर का भी स्टॉक जो है बहुत बड़ी मात्रा में इनके पास रखा हुआ है। ये जो हमने एक मशीन यहाँ पे दिखाई, एक वो खड़ी है पीछे, और दूसरे वाले स्टॉक में जो इनकी काफी सारी, ये फोर रो मशीन है, वो सिक्स रो मशीन, ये 6 रो वाला है, और इसके साथ साथ अगर आपको चाहिए आप फोर व्हील वाला भी आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास पहले से ओसाका की हार्वेस्टर या पैडी ट्रांसप्लांटर है तो आप यहाँ से स्पेयर पार्ट भी ले सकते हैं, अगर आपको किसी तरह की समस्या आती है, मशीन आपकी ख़राब है, आपको कई पार्ट नहीं मिल पाते, तो यहाँ पर पार्ट वगैरह फुल अवेलेबल है। इनसे पहले आपने किसी भी डीलर से मशीन लियो, यहाँ से आप इनके लिए अपनी मशीन के लिए स्पेयर पार्ट आराम से खरीद सकते हैं, स्पेयर पार्ट के यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पैडी ट्रांसप्लांटर खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ के वर्कशॉप का करंट लोकेशन डाला गया है, आप उस लोकेशन पर क्लिक करके पैडी ट्रांसप्लांटर ओसाका कंपनी के वर्कशॉप तक आ सकते हैं, यहाँ पे आके आप इसके बारे में अधिक जानकारी देख ले सकते हैं।
इसको चला करके देख सकते हैं, इसके स्पेसिफिकेशन जान सकते हैं और कंपनी के अधिकारियों से मिल सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को उन किसानों तक जरूर शेयर करें जो पैडी ट्रांसप्लांटर के जरिए अपनी आजीविका चलाना चाहते हैं, किराया भाड़ा करना चाहते हैं और जो जल्दी धान लगाने के इच्छुक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, जो आपने हमें इतना एक अच्छा प्रोडक्ट दिखाया। आप जुड़िए हमसे, बहुत अच्छी मशीन है और सारी फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर, मेंटेनेंस की, स्पेयर पार्ट की और इंजीनियर्स की, हमारे 24 आवर इंजीनियर अवेलेबल होते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आती है इंजीनियर आपकी साइट पर जाएगा, देख के आएगा, सब कुछ करके जाएगा। टेक केयर, जय भारत, जय हिंद। तो दोस्तों मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसानों को नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी